सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इकबाल, देख रहे हैं शब 21। खुशामदीद कहते हैं आपको जितने दोस्त मौजूद हैं पाकिस्तान थ्रू आउट दी वर्ल्ड। ठीक है जी, चलते हैं रेसिपी की जानिब। और खानों की अहमियत अपनी जगह है, आई थिंक हमें इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। चाहे आप अपने बालों की ग्रोथ में इजाफा करते हैं आप, तो फूड बहुत अहम चीज़ है। डाइट से कुछ लोगों के बाल गिरते भी हैं, तो फूड इटसेल्फ एक साइंस है कि कितनी कैलोरीज है, कितना खाना आपने खाना है। ठीक है जी, और ये तो बिल्कुल बहुत अजीब सी बात है कि आई थिंक कि ऐसा फूड जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाए वो खाया जाए और आपकी सेहत ख़राब हो। तो खुशामदीद कहते हैं जी, और आज फ्राइडे का दिन है, रेसिपी जो शेयर करने जा रहे हैं आई होप आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बिरयानी हम सबको अच्छी लगती है, लेकिन आज हम बिल्कुल फ़िश बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। फ़िश बिरयानी, यस बिल्कुल, रेसिपी शेयर करें फ़िश बिरयानी की। और सवाल का लोग पूछ रहे हैं, तो सवाल इतना सा है कि दुनिया में कितनी तरह की फ़िश है। ठीक है जी, फ़िश की तादाद यकीनन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन फ़िश की तादाद कितनी है जो खाई जाती है। ठीक है जी, फ़िश, उन फ़िश की तादाद कितनी है जिसे हम खा सकते हैं। बहुत सी ऐसी फ़िश हैं जिसे आप खा नहीं सकते, कुछ ऐसी फ़िश हैं जिसे खा कर आपकी सेहत को नुकसान भी पहुँच सकता है और डेंजरस है बिल्कुल, लेकिन वो उन फिश की तादाद बतानी जो खाई जाती है। जवाब दे रहे हैं कॉल करके, रेसिपी की जानिब चलते हैं। फिश बिरयानी बना रहे हैं जी, अज्जा देख लीजिए, चावल बॉयल हैं। और एक बात जो मैं इस शो में कर चुका हूँ, लेकिन अब मेरा माइंड भी चेंज हो चुका है। हम कहते थे कि यह सैला राइस में फ्लेवर जायका नहीं होता, बासमती बेस्ट है, काफ़ी मरतबा बात की, लेकिन मुझे अब लगता है कि सैला चावल में भी जायका बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी, आजकल रेस्टोरेंट्स में, होटल में, कैटरिंग, शादियों में, हर जितने भी खाने बनते हैं बिरयानी सैला राइस ही होता है, लेकिन मर्जी आपकी, वन मोर टाइम, बासमती का अपना जायका होता है, उसका भी बहुत मज़े का। चावल सैला राइस को 2 आवर्स तक इसे सॉक करना होता है, उसके बाद बॉयल कीजिए, और बासमती हो तो 30 मिनट तक। मछली मौजूद है जी, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की फ़िश है, फ़िश ज़रूर खानी चाहिए। फ़िश के अंदर ओमेगा 3 है जो दिमाग के सेल को इन्हेंस करता है। और ये भी बिल्कुल बकवास बात है कि आप गर्मी में फ़िश ना खाएं, थ्रू आउट द ईयर फ़िश ज़रूर खानी चाहिए। कॉम्पेरेटिवली चिकन, बीफ, मटन सबसे कम कैलरीज होती हैं, वाइट मीट है, बहुत अच्छा, दिल के मरीजों के लिए बहुत अच्छा, दिमाग के लिए बहुत ज़बरदस्त, तो मछली खानी ही चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कराची के साहिल पर दुनिया की फ़िश होती है। ठीक है, लेकिन ये कि हम बाकी चीज़ें अपनी प्रोड्यूस नहीं करते, तो हम अपने खाने ये फूड की चीज़ें हम बाहर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि और हमारी क्रिएटिविटी नहीं होती। तो फिश बहुत अच्छी क्वालिटी की मौजूद है, अदरक लहसुन पिसा हुआ, जायफल मौजूद है, जावित्री मौजूद है, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, आलू बुखारा, ड्राई प्लम्स, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे जी, विटामिन सी और हाजमे के लिए बहुत अच्छा, साथ ही सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला जिसे हमने भून कर पीस लिया है, इसकी खुशबू से बहुत ही आला जी, येलो फूड कलर, दही, वेजिटेबल बिल्कुल शामिल करने। तो बात कुछ ऐसी कि पहले हमने फ़िश को फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी, फ़िश को पहले तल लेंगे, और चूल्हा जला चुके हैं, यहाँ ऑयल मौजूद है, और मौजूद है हमारे साथ फर्स्ट कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं आप? मैंने पहली दफ़ा कॉल की है आपको। क्या कह रही है? मैंने पहली दफ़ा कॉल की है आपको, मैं मिसेज अहमद बोल रही हूँ। खुश आमदीद कहते हैं, क्या नाम है आपका? मिसेज अहमद बोल रही हूँ। अच्छा जी, मिसेज अहमद बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू अवर शो। क्या कहेंगी आप? बस आपकी तारीफ करनी थी, आपके खाने बड़े अच्छे होते हैं, मैं ट्राई करती रहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें, प्यार है, और फिश पसंद है आपको? बहुत आसान तरीके से बनाते हैं आप सब चीज़ें। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। हाँ, फिश बहुत पसंद है मुझे, है ना? अच्छा, हमने आज पूछा है, आज क्या पका रहे हैं? मिसेस अहमद आज फिश बिरयानी बना रहे हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सवाल पूछा है कि
कितनी वैरायटी है दुनिया भर में फिश की, तो जवाब है आपके पास जो खाई जाती है। कोई गिनती नहीं है, कोई बहुत सारी है, कितने नाम लूं मैं आपको। ठीक है, तो होंगे पल्ला, रोहू, सही सही, और बहुत सी है, इतने सारे नाम है। ठीक है ठीक है ठीक है, 12-13 से ज्यादा है नाम। आपका अपना नाम क्या है मिसेस अहमद? मेरा मिसेस अहमद है, मैं अंजुम हूँ। अंजुम क्या? अंजुम नाम है मेरा। अंजुम, अंजुम, चलिए अंजुम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, खुश रहें, शादोबाद रहें। चलते मैरिनेशन की जानिब। फिश के अंदर, सी फूड के अंदर ऐसे ज्यादा है दोस्तों, 700 ग्राम फिश है, ठीक है जी, 700 ग्राम फिश के अंदर सबसे पहले लेमन अदरक, नींबू, अदरक, लहसुन बेस्ट चीज है जी, ना सिर्फ फ्लेवर एनहेंस करता है बल्कि बहुत ज्यादा अच्छा। और ये बात भी आपको बता दें, जिन कौमों में लोग फिश ज्यादा खाते हैं वहां देखिए लोग ग्लासेस, चश्मा भी कम लगाते हैं, फिश नजर के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है जी, लेमन ऐड करते हैं, और ये एक फुल लेमन, जबरदस्त खटास आ जाएगी नींबू की, लेकिन एक शामिल नहीं करना, एक और ऐड करना, दो अदद नींबू ऐड करने हैं आपने, हल्का से दबाया, यहां से स्टार्ट करना और ये इस तरह से आपने काट लेना है। जवाब दे रहे हैं कितनी तरह की फिश है जो खाई जाती है, प्रोसेस जारी है फिश, और फिश बिरयानी बना रहे हैं फिश की, ठीक है, उसके लिए फिश को मैरिनेट करें, नींबू ऐड किया, नींबू के साथ ही जिंजर गार्लिक अदरक लहसुन पिसा हुआ, एक दो और ये तीन चम्मच, ठीक है जी, साथ ही स्पाइसेस भी शामिल कर लेते हैं जी, नमक, सोल्ट, स॑ल्ट ऐड करना है हाफ टी स्पून लगभग, लेकिन नमक का जायका जबरदस्त रचना चाहिए फिश के अंदर, पिसी हुई लाल मिर्च एक चम्मच, पिसा हुआ ये गरम मसाला ये भी इसमें ऐड किया एक चम्मच, हल्दी पाउडर ये भी एक चम्मच, सफेद जीरा ये भी एक चम्मच, और से कीजिए अच्छी तरह से मिक्स। हम चाहेंगे आप भी मछली जरूर खाएं और अपने बच्चों को भी डेफिनेटली खिलाएं, ठीक है जी, क्योंकि यकीनन आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। इसे मैरिनेट करके रखिएगा, रखिएगा जरूर कुछ देर ताकि फिश एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन यहां आपको फील हो रहा होगा कि मछली के अंदर जबरदस्त मसाला जी रचता जा रहा था, ठीक है जी, जबरदस्त फिश का जायका रचता जा रहा है, और ऑयल रेडी है, ऑयल के अंदर फ्राई करना है, डायरेक्टली मैरिनेट किया 1 आवर तक रखना, उसके बाद ऑयल में से फ्राई कर लेना, तल लेना है, एक एक करके सब शामिल करते हैं, बल्कि हल्का सा सॉल्ट भी ऐड किया जाए ऑयल के अंदर ताकि फिश जरा लगे ना, ठीक है, चिपके ना इसके साथ, इसके अंदर जरा सा हमने ये नमक भी शामिल कर चुके हैं ऑयल के अंदर, ये मछली फ्राई कर लेते हैं जी, सिर्फ फ्राई हो रही है कुक नहीं भी, लेकिन खुशबू इसकी यकीनन बहुत मजे की है। हमारे देसी मसालों ये जो स्पाइसी का जब फ्लेवर रच जाए डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, ठीक है जी, एक एक करके फिश शामिल कर रहे हैं, प्रोसेस जारी है जी, जवाब दे रहे हैं सवाल का कि दुनिया में कितनी वैरायटी है फिश की, और इंतजार भी करना है जब तक एक तरफ से कलर ना आ जाए, ऐसे टर्न ओवर नहीं करना, चेंज नहीं करना, कुक होने दीजिए, इंतजार कीजिए कुक होने दीजिए, उसके बाद इसे हमने टर्न ओवर करना है, ठीक है जी, तो बस प्रोसेस जारी है, जवाब दे रहे हैं सवाल का, दुनिया में कितनी ऐसी वैरायटी फिश की जो खाई जाती है, और मैं चाहूंगा बल्कि रिक्वेस्ट आप सबसे कि आप अगर फेसबुक पर हैं तो जरूर ज्वाइन करें CHEF21 के नाम से पेज है हमारा, लाइक कीजिए, मुझे आप तलाश कर सकते हैं बाल शाह के नाम से फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी, तो ये सिलसिला बिल्कुल जारी है जी। मछली और फ्राई खुशबू बहुत आला जी, माशाल्लाह, जैसे ही कलर आया इसे आपने करना है टर्न ओवर, और ये कलर बहुत आला, और नमक ऐड करने का जादू देखिए, ऑयल के अंदर नमक ऐड करने से मछली पेंदे से लग नहीं रही, चिपक नहीं रही, बहुत अच्छी फ्राई हो रही है, ठीक है जी, हालांकि इसमें हमने कोई चीज ऐड नहीं की, ना कॉर्नफ्लोर, ना कोई आटा, ना अंडा, लेकिन देखिए जरा इसका कलर, एज इट इज भी आप चटनी के साथ खाएं बहुत मजा आएगा, ये देखिए जी, फिश पे जो कलर आता जा रहा है इसे हम टर्न ओवर कर रहे हैं,
मछली की बिरयानी, फिश बिरयानी बना रहे हैं जी। एक तो बिरयानी और वो भी फिश बिरयानी। इसी तरह यहां कुछ स्पेस है तो हम क्या करते हैं कि बाकी फिश भी फ्राई कर लेते हैं दोस्तों, तल लेते हैं इसे भी, क्योंकि सभी स्पाइसेस आपने इसमें अप्लाई किया, अंदर तक ही जाना चाहिए मसाला, देखिए। ठीक है जी, एकदम जबरदस्त लगना चाहिए मसाला। इस वक्त हम जा रहे हैं वक्फे की जानिब। वक्फे से जब हम वापिस आएंगे तो भी फिश फ्राई हो चुकी होगी, बाकी प्रोसेस है, आपसे जवाब लेंगे कितनी तरह की फिश खाई जाती है। वक्फे की जानिब जा रहे हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए शेफ 21। जी दोस्तों, आपने बिरयानी खाई और अब तक आपने फिश बिरयानी नहीं खाई तो ये समझ लिया आपने बहुत कुछ मिस किया सर्दियों में, कि गर्मियों में डेफिनेटली खानी चाहिए, लेकिन इसमें बहुत मज़ा। तली हुई मछली कलर्स का देखिए, बिल्कुल टेंडर हो चुकी है। फिश की बिरयानी बना रहे हैं, फिश चटपटी मसालेदार, देखिए इसका टेक्स्चर ज़रा देखिए, एकदम क्रिस्पी बाइट लिंग, इसका अपना ही मज़ा। मछली में नींबू की खटास आ चुकी है, प्रोसेस जा रही है। सवाल पूछा है दुनिया में कितनी फिश की वैरायटी जो खाई जाती है। जो फिश फ्राई हो चुकी है उसे निकाल लेते हैं, मौजूद यहाँ पर जवाब दे रहे हैं सवाल का, कितनी वैरायटी है फिश की जो खाई जाती है। ठीक है जी, और कांटे वाली मछली में ज्यादा जायका होता है कॉम्पेटिवली बोनलेस के, कांटे वाली मछली ज्यादा बेहतर होती है आपकी सेहत के लिए भी कॉम्पेटिवली बोनलेस के। कलर आता जा रहा है, कर रहे हैं उसे हम टर्न ओवर, वाह जी वाह। लेकिन आज फिश को सिर्फ ये फ्राइंग नहीं हो रही, साथ ही हम चलते हैं अगले प्रोसेस की जानी, बिरयानी का कोरमा करना है तैयार, तो चलते हैं प्याज की जानी और प्याज काट लेते हैं। जवाब दे रहे हैं सवाल का क्विकली, प्रोसेस जारी है। प्याज के दो पीस, देन उसके बाद इसे स्लाइस कर लेना जी, दो पीस, देन उसके बाद इस तरह कर लेना स्लाइस। अनियन हो रही स्लाइस, प्रोसेस जारी है, फिश हो रही फ्राई। किचन में खुशबू में बिल्कुल जबरदस्त, इस वक्त हम एंजॉय कर रहे हैं जी, इस वक्त खुशबू, और अगले 25 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम फिश बिरयानी भी एंजॉय करने जा रहे हैं। सिंपली अनियन रखिए और इस तरह स्लाइस कर लेना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं आप? मैं नसीम बात कर रही हूँ, गुजरांवाला से। नसरीन जी कैसी हैं आप? नसीम जी हाँ, कैसी नसीम, आप खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। नसीम का क्या मतलब है? नसीम का मतलब सुबह की ठंडी ताज़ा क्या हवा, सुबह की ठंडी और वाह जी वाह, क्या बात है। नसीम मछली पसंद है आपको या नहीं? जी जी सर, आज मैंने मछली ही बनाई है, फ्राई की है। अच्छा, लंच में, दोपहर में? नहीं, अभी मैं बना रही हूँ, साथ साथ मछली बना रही हूँ, क्या बात है, जरूर ट्राई करें, मजा आएगा। अच्छा ये नसरीन, और सबसे कहूँगा फिश बिरयानी के अलावा एज इट इज भी आप देखें, ये खाएंगे मछली बहुत मजे की है, ये खुद कंप्लीट रेसिपी है, चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा नसरीन, हमने सवाल पूछा, लेकिन मैंने पूछना था इसके साथ कौन सी चटनी रहेगी, दही की चटनी सही है या इमली की?
आप ऐसा कीजिए, दही के अंदर धनिया पुदीना हरी मिर्च ऐड करें और इमली का पल्प भी शामिल करें, ठीक है? तो मसालेदार फिश को इमली के अंदर चटनी के अंदर खाएंगे तो उसकी मजे की खटास भी होगी। क्योंकि मेरे मियाँ कह रहे थे कि इसके साथ चटनी नहीं खानी, वो जो फलहरी हो जाती है। फिर आप आपके मियाँ को छोड़ दें, आप खुद खा लें, उनको ऐसे ही दे दें फिश आप, ठीक? अगर वो मना करें उनको ना दें ना चटनी, आप खुद खा लें, ठीक है ना? अच्छा जवाब है आपके पास, कितनी तरह की फिश खाई जाती है? देखिए नाम है, आपको तादाद बतानी है, दो है, तीन है, पचास है, मली, पांच, पांच, छह सात दाद खाई जाती है। ठीक है जी, छह तरह की, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। कलर आता जा रहा है, निकाल लें, और ये एक तरह से इसे फिश जबरदस्त फ्राई होती जा रही है, निकाल चुकी हूँ, और जरा देखिए गरम गरम इंजॉय करें तो बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है जी? फिश हमारी जबरदस्त हो चुकी फ्राई, अब चलते हैं कौरमे की जानिब, पॉट ले आते हैं यहाँ। ऑलरेडी हमारा ये मैंने गरम करने के लिए रखा था ताकि क्विकली हो जाए तैयार, ठीक है जी? मछली की बिरयानी के लिए चावल बॉयल लें, फिश को फ्राई कर लीजिए, इसके अंदर आप भूनेंगे तो होगा कुछ इस तरह से कि मछली टूट जाएगी, ठीक है जी? टूट जाएगी। एक और चीज़ इसमें एक ये भी ऑप्शन है कि अलग से अगर आप ये बिरयानी इस तरह तैयार करते हैं, मछली टॉप पर आप ऐड करते हैं, जो बच्चे जो अफराद फिश नहीं खाते तो आप मछली खुद खा लीजिए, बाकी बिरयानी उनको दीजिए जो मछली नहीं खाते, ठीक है जी? ऐसा भी कर सकते हैं। ऑयल 1 कप शामिल किया हमने, इस ऑयल के अंदर शामिल करते हैं प्याज, ठीक है जी? ऑयल के अंदर प्याज हो रही है ब्राउन, फिश जो फ्राई हो चुकी है यहां मौजूद है, टमाटर काट लेते हैं, प्रोसेस जा रही है, जवाब दे रहे हैं सवाल का भी और आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला भी जा रही है जी। अब हम चलते हैं कुछ दही टमाटर बाकी चीजें काट लेते हैं जब तक प्याज हो रही है ब्राउन। तो मौजूद है टमाटर, रखा इसके 2 पीस किए और सिंपल इस तरह स्लाइस कर लेना, ठीक है जी? और देखिए टमाटर के भाव रेट आसमान से बात कर रहे हैं लेकिन टमाटो केचप के रेट्स वही है, ऐसा क्यों? टमाटर इस तरह स्लाइस कर लेना, टमाटर के रेट्स आसमान से बात कर रहे हैं और टमाटो केचप का रेट्स वही है, क्या उसमें टमाटर नहीं होते? होते हैं ना। 2 पीस और स्लाइस कर लेना इस तरह, ठीक है? 3 से 4 ही टमाटर प्रोसेस जा रही है और प्याज को जरा ब्राउन कर लेना है। टाइम सेविंग के लिए ये भी कर सकते हैं कि प्याज को आपने ऑलरेडी ब्राउन करके रखा है और इसी कौरमे के अंदर ऐड किया, टॉप पर ऐड किया, कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर है बिल्कुल, ठीक है जी? तो बस ये बिरयानी हमारी हो रही तैयार, फिश तैयार है, टमाटर और बाकी चीज़ें ऐड करनी है, साथ ही इसमें चलिए अदरक लहसुन भी शामिल करते हैं। अदरक लहसुन ऐड करते हैं लेकिन अदरक लहसुन में हल्का सा मॉइस्चराइजर पानी है, अगर इस वक्त हमने शामिल किया तो कुकिंग प्रोसेस का रुक जाएगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं जल्दी से इसे ब्राउन करना है, तो अभी इस वक्त शामिल नहीं करना अदरक लहसुन, ठीक है जी? तो बिल्कुल ये प्रोसेस जारी है, जवाब देते रहिए कितनी तरह की मछली खाई जाती है। नसीम ने गुजरावाला से कॉल की, उनका जवाब था कि 6 तरह की, तो आप अपने जवाब रिकॉर्ड करवा सकते हैं कॉल करके, ठीक है जी? और ये कलर आता जा रहा है, अब ऐड करते हैं अदरक लहसुन पिसा हुआ, जिंजर गार्लिक ये टेबल स्पून है, 1 और 2 चम्मच हमने अदरक लहसुन भी ऐड किया, और प्याज और अदरक लहसुन को आपने जरा ब्राउन कर लेना है अच्छी तरह से, परफेक्टली आपने ब्राउन कर लेना है। उसके बाद दही टमाटर सभी चीजें ऐड करनी है, फिश बिरयानी हम कर रहे हैं तैयार, और फिश देखिए क्रिस्पी और मजे की, मैं चाहूंगा जरा से चखा जाए, ऑल्दो मैं इतना फिश सी फूड लवर तो नहीं हूं लेकिन मुझे ये मजे की लग रही फिश, ठीक है जरा चखते हैं,
बहुत आला। एक चीज कीजिएगा, फ्राई करने के बाद टॉप पर इस तरह चाट मसाला स्प्रिंकल करें और एज इट इज भी खा लेंगे तो मजा बहुत आएगा आपको। लेकिन बिरयानी बना रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं रुबीना हूँ कराची से। हेलो हेलो जी, कौन बात कर रही हैं आप? मैं रुबीना हूँ नाडी कराची से। रुबीना कैसी हैं आप, घर से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा रुबीना, शुरू हो गई है कराची में बारिश होने की वजह से। ठंड हो गई है जी, थोड़ी ठंड बढ़ गई है। बारिश कब हुई कराची में? सुबह हुई थी हमारे तो, सुबह 6 बजे। अच्छा 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 अच्छा, चले अभी तो आगाज ही रुबीना जी, अब तो ठंड में इजाफा और होगा। अच्छा, आप बहुत अच्छी कुकिंग कर रही हैं आज तो, आप फिश बना रहे हैं बहुत जबरदस्त। पसंद है फिश आपको? हाँ, मैं तो बहुत बनाती हूँ सर्दियों में। अगर आपके सामने चिकन टिक्के मौजूद हो, मछली तली हुई मौजूद हो और निहारी का सालन निहारी हो तो आप क्या खाना चाहेंगी? फिश ही खाऊंगी मैं तो। फिश ही खाएंगी, क्या बात है, क्या बात। अच्छा रुबीना, कितनी तरह की फिश खाई जाती है? कितनी तरह की तो वैसे तो बहुत सारी अकसाम है, कम से कम 2000 के लगभग। 2000 के लगभग, ठीक है ठीक है ठीक है। कोई फरमाइश है आपकी? मेरी फरमाइश ये कि बहुत अच्छा से, जैसे 5-star होटलों में चिकन कॉर्न सूप होता है ना। कौन सी सॉस? चिकन कॉर्न सूप। चिकन कॉर्न सूप। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि जो 5-star होटल में बनता है वो आम लोग इतना पसंद नहीं करते, पता है ना आपको। अच्छा। उसमें सिर्फ अंडा कॉर्नफ्लोर सिंपल होता है, लेकिन जो हम जो बाहर पीते हैं वो अलग होता है। लेकिन हम जरूर शेयर करेंगे आपके साथ। हाँ, चिकन कॉर्न सूप नेक्स्ट वीक भी बना दे। ठीक है इंशाल्लाह, थैंक यू। प्याज जल्दी से ब्राउन क्यों नहीं हो रही? ठीक है जी, ज्यादा ना हिलाएं इसे, लेट इट ब्राउन। बाकी प्रोसेस भी है, सैलेड रायता भी, चावल बॉयल है, सोख करके रखा एक एक दाना अलीदा अलीदा, मछली फ्राई है, कौरमा बनाना है, दम पे रखना है, प्रोसेस जारी है। चल चलिए, धनिया पुदीना भी जरा काट लेते हैं, ठीक है जी, टाइम सेविंग के लिए। इसी तरह मछली की जगह आप झींगे की बिरयानी भी बना सकते हैं, लेकिन जब झींगे की आप बनाएंगे तो उसे फ्राई नहीं करना मछली की तरह, वो आपने इसी के अंदर ही राउंड सेट करने और बहुत ज़्यादा देर तक कुक भी नहीं करना, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना वरना वो सख्त हो जाएंगे। ब्राउन्स बिरयानी भी यकीनन मज़े की होती है। तो इस तरह से आपने धनिए को कर रहे हैं चॉप, ग्रीन कोरिएंडर के साथ पुदीने को भी चॉप कर रहे हैं। खुशबू इसकी बहुत मज़े की है। धनिया पुदीना मिर्चे भी ले आते हैं, ग्रीन चिलीज, जो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हमारे खानों में कंपैरेटिवली, आई थिंक बहुत ज़्यादा आप ये पिसे हुए स्पाइसेस ऐड करें, इट्स बेटर कि आप ये ग्रीन चिली का यूज़ किया जाए। दो दो पीस कर रहे हैं जी, ताकि कलर भी आए और ग्रीन चिली की तेज़ी भी आ जाए बिरयानी में। ठीक है, कुछ धनिया पुदीना काट कर रखा है और प्याज जरा अब ब्राउन होना बिल्कुल शुरू, कलर आता जा रहा है, देख सकते हैं आप। अगले 30 सेकंड के बाद इसमें हमने टमाटर और बाकी क्या क्या चीजें ऐड करनी है वो भी आपको बताते हैं। और ये बात फैक्ट है कि जब आप रेसिपीज की बात करते हैं, कुकिंग की, बिरयानी की बात की जाए, तो सिर्फ अज्जा के साथ साथ आप कौन सा मेथड अप्लाई करें, आई थिंक सभी चीजों की बहुत अहमियत होती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीहा है और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। फरीहा लाहौर से जी। कैसा मौसम है लाहौर का फरीहा? सर्दी है काफी सर्दी है जी जी। अच्छा अच्छा, देखिए कराची में तो इतनी नहीं है, लेकिन ये एंजॉय करें सर्दियों को। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आप कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, शुक्रिया। आप क्या बेस्ट बनाती हैं? हम भी आप लोगों को देख के ही बना लेते हैं बस। मैडम आप खुद ग्रेट हो, आप खुद क्या बेस्ट बनाती हैं जो आप? मैं बिरयानी और ऐसे ही धुआं गोश्त, परसों मैंने आपका ट्राई किया था, कैसा बना?
बहुत अच्छा, सबने तारीफ की। माशाल्लाह ये तो ग्रेट हो गया। अच्छा आज फिश बिरयानी बना रहे हैं, फिश पसंद है आपको? जी जी जी, मैं देख रही हूँ। अच्छा लाहौर में बहुत अच्छी फिश मिलती है, बहुत सी आउटलेट है ना, आउटलेट जगहों पर। जी जी है ना। अच्छा सवाल का जवाब देंगी आप फरिया? हाँ जी। कितनी तरह की फिश है जो खाई जाती है? इतना तो नहीं पता लेकिन 6-7 किस्म वैसे सुनने में आती है। अच्छा अच्छा 6-7, ठीक है ठीक है ठीक है। और कुछ फरमाइश है आपकी? नहीं जी, थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू। लाहौर से फरिया। और दोस्तों ये प्याज ब्राउन होने के बाद टमाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, प्याज के बाद टमाटर, उसे मिक्स इट वेल। प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है, साथ ही इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने, ऐड करते हैं फिर ब्रेक की जानिब जाना है। दही शामिल करें, क्विकली देखते रहिएगा, एक साथ सब चीज़ ऐड कर रहे हैं। दही हम शामिल कर रहे हैं लगभग 250 ग्राम। मैं चाहूँगा आप देखते रहिए इसके अज्जा। हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच और ज़रा सी ज़्यादा, पिसा हुआ ये गर्म मसाला साबित भी ऐड कर सकते हैं मर्जी आपकी, ये भी 1 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा ये भी 1 चम्मच भुना हुआ, और ज़रा सा येलो फूड कलर इसके अंदर शामिल किया, हल्का सा हल्का सा हल्का सा। ये जावित्री मौजूद है जी, ये ऐड करते हैं इसके अंदर इतनी सी, इतना पीस। जायफल भी क्विकली ऐड करता हूँ इसके अंदर। ठीक, ज़रा सा जायफल भी इसके अंदर ऐड किया, धनिया, पुदीना और ये कटी हुई मिर्ची ऐड कर रहा हूँ। मुझे यकीन है आप नोट कर चुके होंगे। ब्रेक की जानिब जा रहे हैं जी, हम इसकी करें भुनाई। ब्रेक के बाद किस तरह फिश बिरयानी बना रहे हैं, अगली रेसिपी क्या है, आपकी कॉल्स लूंगी, आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला जारी है। फॉर बेस्ट रेसिपीज कीप ऑन वॉचिंग शेफ 21। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू अवर शो। लास्ट ब्रेक इख्तितामी लम्हात, फिश बिरयानी हो रही है तैयार, उसका ज़रा स्पाइसेस मसाला देख लीजिए। ये सिर्फ भुना हुआ नहीं है, देखिए दोस्तों आपको बताएं ये ज़रा टेक्सचर इसका, टमाटर मेल्ट हो चुके हैं, दही का जायका ये डिजोल्व हो चुका है, धनिया, पुदीना, मिर्च, बिरयानी के सभी स्पाइसेस, जायफल, जावित्री की खुशबू। इसमें इतना पानी रखिए कि बैलेंस हो जाए, ज़रा चख लेते हैं इसे भी, ताकि अगर कम हो तो सॉल्ट ऐड कर लें। और इसमें हमने नमक नहीं मिलाया जी, तो नमक भी ऐड करते हैं इस कौरमे के अंदर भी। चूल्हा किया कम, जरा सा पानी। और मैं तो कहूंगा ये बाहर आ जाएं तो बिरयानी की 2-3-4 एक ही तेल होती है दुनिया भर में, रेस्टोरेंट में, होटल में। ठीक है ना, एक जो कदीम है लोगों ने किया कि कौरमा भी चावल ऐसा ना, सिर्फ एक देख में भी ऐसा ही होता है। ठीक है जी, जरा सा पानी ताकि ये सरफेस पे लगे ना, दम की जानिब जा रहे हैं। ठीक है जी, यहां तक देखिए नमक जरा सा और ऐड कर रहा हूं। कौरमा तैयार हो चुका है। चावल जो बॉइल्ड है हम ले आते हैं यहां पे। ठीक है जी, इसके ऊपर आपने चावल बिछा लेने जी, सभी बॉइल्ड राइस कौरमे के ऊपर बिछा लीजिए। याद रहे फिश रस ज्यादा ली हमने, 1/2 किलो चावल और 700 ग्राम मछली है। सभी राइस ऐड किए और जरा सा ये धनिया, पुदीना, मिर्चे इस तरह आपने ऐड करनी है और जरा सा येलो फूड कलर एसेंस के अंदर या दूध के अंदर डिजोल्व कर लें, एक तरफ डालें, हर जगह कलर ना डालें, ठीक है, बहुत ज्यादा कलर नहीं। साथ ही ये नींबू रखे हैं यहाँ पे, ड्राई प्लम्स आलू बुखारा
रखा और ये मछली जो ये मौजूद है हमारे पास फ्राइड, ये इस तरह आपने टॉप पर रखना है। और याद रहे कि इस वक्त हमारे पास सिर्फ 7 मिनट बाकी हैं, लेकिन आप जब घर पे बनाएं तो इसे 15 मिनट तक दम पे रखिएगा, 15 मिनट, 15 मिनट्स, ठीक है जी, 15 मिनट। तो जब आप 15 मिनट रखेंगे तो जैसे कि आप जानते हैं चूल्हा बहुत कम होगा, बिल्कुल धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट आप दम पे रखिएगा, और फिर आप हमें नेक्स्ट शो में बताइएगा कि आपकी ये फिश बिरयानी कैसी बनी, ठीक है जी। इसे हम कर लेते हैं कवर, ठीक है जी, और कवर भी ऐसा कीजिए कि कहीं से भी स्टीम बाहर ना आए, ठीक है जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये परफेक्टली इसे कवर करें, इसका ये कवर नहीं है, इसे बिल्कुल ड्राई किया और इसे कवर करना है, ठीक है जी। और ये एक और चीज, ये जब दम पे रखा तो हर जगह से हीट आना जरूरी है। अगर आप चूल्हे पे नहीं बना रहे, देख बना रहे हैं, खुद आपने ये लकड़ियाँ जलाई हैं तो उसमें भी देखना है, अगर कहीं से हीट कम है ज़्यादा है तो उसे आपने साइड चेंज करते रहना। 15 मिनट तक रखें आप, ठीक है, बल्कि मैं आपसे कहूँगा लाइव इस टीवी शो के जरिए जहाँ कहीं आप देख रहे हैं इसे 20 मिनट भी रखा जाए तो बेहतर है, लेकिन नीचे से लगे ना, पैंदे से चिपके ना, इतनी आँच कम रखिएगा, ठीक है जी। और ये भी कर सकते हैं कि आप ज़रा तवे के ऊपर भी रख सकते हैं, अगर ज़्यादा देर हो तो और भी ज़्यादा अच्छा दम आ जाएगा, ठीक है जी। तो प्रोसेस जारी है और अब चलते हैं रायते सैलड की जाने, प्रोसेस जारी है। बिरयानी हमने रख चुके हैं दम पे, सिर्फ गर्म रख कर लेते हैं ताकि अगर वक्त हमारे पास हुआ तो इसे हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है जी। और बिरयानी दम पे, फिश बिरयानी, अब चलते हैं रायता सैलड, इसमें भी आप खुद चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हम बना रहे हैं किस तरह से एक सैलड बना रहे हैं, सिंपली बल्कि कहा जाए बिरयानी, चले बिरयानी हम वहां ले आते हैं स्पॉट, ठीक है जी। तो इसे कोई भी तरीका, इस तरह भी आप काट सकते हैं इस तरह, इसी छोटी नाइफ आप ले लीजिए कार्विंग नाइफ, उससे भी आप चाहें तो काट सकते हैं, आई डोंट नो कितना वक्त है हमारे पास, लेकिन वक्त हो तो ऐसा आप कीजिएगा, ठीक है। इस तरह कट लगा लेना है, ये इस तरह करके आपने निकाल लेना है, ठीक है, एक तरफ से इस तरह देखिए निकाल ले, इसी तरह दूसरी तरफ, इस तरह करके से आपने निकालना है, देखिए यानी कि चार तरफ से आपने काटना है, ठीक है, दो और ये तीसरा, ठीक है जी। साथ ही लास्ट फोर्थ भी इस तरह से आपने कर लेना है, ठीक है जी। दोस्तों फिश बिरयानी हमारी जस्ट अबाउट रेडी दम पे, और ये सैलड बना रहे हैं। इस तरह काटने के बाद आपने क्या करना है कि ये रखा आपने और इसे गोल इस तरह से काटना, तो इसके डिजाइन अच्छी देखिए, इस तरह रखा और फिर आपने इस तरह ही काट लेना है,
ठीक है जी। इसी तरह अनियन एक मौजूद है, इसके भी चलिए हम क्यूब्स काट लेते हैं। एक मजे का सैलेड, आज रिंग्स नहीं काटना, सिंपली आपने रखा, एजेस इसकी रिमूव किए, बल्कि दो पीस किए, प्याज को पील ऑफ करना है। लास्ट दो मिनट बाकी है जी, उसके बाद हम बिरयानी इंजॉय करने जा रहे हैं। क्विकली प्याज को ये पील ऑफ किया, जैसा निकाल लेना आप, ठीक है जी। दुनिया की कोई भी कटिंग, जाहिर है नाइफ का शार्प होना जरूरी है। क्यूब्स काट लीजिए, रखा दो पीस, और इस तरह क्यूब्स काट लेना है। खीरे प्याज के साथ ही यहाँ पे कुछ कैरेट मौजूद है जी, गाजर सिंपली रखा, और इसे भी आपने इस तरह से काट लेना है। कोई और वेजिटेबल, बैंगन का कोई रायता बना सकते हैं आप, लौकी का, इस तरह डिफरेंट आप यकीनन कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। जरा सी कैबेज है, उसका ये सा निकाला, और इसे भी आपने क्यूब्स काट लेना है। ठीक है जी, करना इस तरह से कि जैसे कि आप देख रहे हैं सभी चीजें आपने ऐड की, और इस बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। इस बाउल के अंदर ये वेजिटेबल ऐड कर रहे हैं, और सिंपली आप इस तरह से मजे मजे के सैलेड कर सकते हैं तैयार। इसमें आपने सभी ये वेजिटेबल जो हमने ऐड की, ये दम के लिए दोस्तों कुछ देर के बाद, 7 मिनट रखने के बाद इस यहां तवे पे ला चुके हैं। इस सैलेड में अब आपने ऐड करना है सलाद पत्ता जी, ठीक है जी। सलाद पत्ता इस तरह ऐड किया, सलाद पत्ते के साथ ही सभी ऐड कीजिए सलाद पत्ता, और इसके साथ ही ऑलिव ऑयल आपने ऐड करना है, 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, ठीक है जी। और इसके साथ ही लेमन, एक लेमन लिया, और लेमन जूस आपने इसी के अंदर ऐड किया वेजिटेबल के अंदर, बहुत मजे का। देखिए सेहत के लिए भी बहुत अच्छा, और आई थिंक हर रोज आपको इस तरह की चीजें बनानी चाहिए। सॉल्ट टू टेस्ट, और जरा सी काली मिर्च भी ऐड की इसी के अंदर, बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना, सीखे सिर्फ नींबू, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट एंड पेपर, मिक्स इट वेल। तो मजे का इस तरह से सैलेड हो चुका है तैयार, इसे हम निकाल लेते हैं। ठीक है जी दोस्तों, तो ये सैलेड हमारा क्विकली फ्रेश, ये सैलेड जो हमने बनाया आपके लिए, वैसे कंपोज सैलेड है, फ्रेश तो नहीं है, लेकिन मजे का है और हेल्दी है जी। लोग मोटे इसीलिए हो रहे हैं, टेंशन डिप्रेशन की वजह ये भी है कि अनहेल्दी खाना खाया जाता है, और डिप्रेशन तो आप जानते हैं हजारों बीमारियों की एक वजह बनती है। तो ये मजे का सैलेड बनाया, और बिरयानी जी कवर हटाते हैं। सबसे अहम मरहला, फिश बिरयानी हमारी लेट्स सी कहां तक पहुंची, कवर हटाते हैं और आपको दिखाते हैं कि फिश गली नहीं गली। सवाल का जवाब देते हैं जी, सवाल पूछे कितनी तरह की फिश खाई जाती है, तो मोर लगभग 32,000, ठीक है 32,000 टाइप की फिश खाई जाती है। कवर हटाया, इजाजत है 1, 2 एंड 3 फिश पीसेस आप चाहें तो निकाल लीजिए, कुछ निकाल लेते हैं प्रॉपर ले आएंगे। ठीक है जी, कुछ इसके अंदर रहने दीजिए, मर्जी आपकी। इस तरह से आपने चावल खोलने, ओए होए होए, फिश बिरयानी चटपटी मसालेदार, मछली का जायका जबरदस्त रच चुका है। लुक एट दिस, ये देखिए आप, आई थिंक लोग कहते हैं कि 2 दिन बल्कि आई वुड से हफ्ते में 3 दिन आपको मछली खानी चाहिए जी। ठीक है जी, टॉप पर ये तली हुई फिश आ जाएगी फ्राइड, हर प्लेट के ऊपर आप इस तरह से रखकर आप पेश कीजिएगा। ठीक है जी, इसे ले आते हैं हम यहां, धनिया पुदीना चॉप करके ऐड किया, और आपसे लेते हैं जी इजाजत भी।
दोस्तों फिश बिरयानी और ये सैलड हो चुका है तैयार, जरूर ट्राई कीजिए। हम तो एंजॉय करने जा रहे हैं, वुड लाइक आप सभी ट्राई कीजिए, खुश रहें, शादाबाद रहें, अच्छा खाना जरूर खाएं। अच्छा इसे यहाँ ले आए, अच्छा खाना जरूर खाएं क्योंकि आपकी ये जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।